नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल दिन मंगलवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे पर्यटक पुलिस। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। बिहार में 10,000 से ज्यादा ANM की बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। स्कूल से बिना किसी सूचना के गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई। अब CBSE में कम अंक मिलने की बात कहने वाले बच्चों की शिकायत होगी दूर। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस विश्वविद्यालय में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में फैकल्टी के 75 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.tezu.ernet.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में उम्मीदवारों को ₹1,000 देने होंगे। हालांकि अनारक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए गए हैं। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। PMCH के नए भवन में इस दिन से चलेगी 13 विभागों की OPD। पटना का PMCH प्रदेश में मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में से एक है। मरीजों की सुविधा के लिए इस अस्पताल में कई तरह की सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि न्यूरो शिशु समेत 8 विभागों की OPD नए भवन में 13 मई से संचालित होंगी। इसे लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। PMCH के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया है कि नए भवन में 13 मई से 8 विभागों की OPD शुरू करने के लिए डॉक्टरों के रोस्टर भी बनाए जा रहे हैं। शिशु रोग न्यूरो मेडिसिन, शिशु सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, चर्म रोग, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स की OPD नए भवन में स्थानांतरित की जा रही है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे सर्वोदय आश्रम नवादा के बारे में। ये आश्रम बिहार के नवादा जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। ये आश्रम चारों तरफ से सुंदर पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। इस आश्रम में आपको जयप्रकाश नारायण के जीवन काल से जुड़ी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने अपनी पत्नी के साथ काफी लंबा समय गुजारा था। यदि आप भी जयप्रकाश नारायण से जुड़ी चीजों को देखना और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा ANM की बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार में 10,000 से ज्यादा ANM की बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने इस बहाली को लेकर अपने फैसले में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर बहाली के आदेश दिए हैं, जिस वजह से बहाली का इंतजार कर रहे ANM पद के अभ्यर्थियों के बीच काफी खुशी देखी जा रही है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को ही पूरी हो गई थी, जहाँ इस फैसले को कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। जाने का आधार से कितने सिम लेने की होती है अनुमति। हमारे देश में सिम खरीदने के लिए आधार की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आधार से कितने सिम ले सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एक आधार से भारत सरकार द्वारा केवल 9 सिम लेने की अनुमति दी जाती है। यदि आपको शक है कि आपके आधार से कोई दूसरा सिम चला रहा है तो आप इसे जाँचने के लिए टेलीकॉम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट की मदद भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर दिखाए जा रहे नंबर में आपका नंबर शो कर रहा है जिसका इस्तेमाल आप कहीं नहीं कर रहे, तो उस नंबर पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे पर्यटक पुलिस। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार में अब पर्यटक पुलिस को तैनात किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक गृह विभाग द्वारा पर्यटक पुलिस के लिए कैडर का गठन किया जाएगा। इसके लिए कागजी प्रक्रिया जारी है। बता दें कि पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक पुलिस के लिए अस्थायी नियुक्ति की योजना बना रही है और इसके लिए वो एजेंसी की मदद लेगी। चुनाव के बाद ये कार्य तेजी से होगा। बता दें कि जो प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल हैं, वहाँ विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए पर्यटक पुलिस को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटक स्थलों पर साफ सफाई और विश्रामागृह की सुविधा भी दुरुस्त किए जाएंगे। UPSC ने 2024 का जारी किया संशोधित कैलेंडर। बीते दिन UPSC द्वारा 2024 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर में कई परीक्षाओं की तारीख में बदलाव देखने को मिला है। इस संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इससे संबंधित परीक्षा तिथि की जानकारी आप ले सकते हैं। जो कैलेंडर जारी हुए हैं उसके मुताबिक UPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2024 की तिथि में बदलाव किया गया है।
है, जिसके मुताबिक अब ये परीक्षा 26 मई के बजाय 16 जून को आयोजित की जाएगी। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सभी अस्पताल भी अलर्ट मोड पर होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे डॉक्टरों को ऑन कॉल तैनात किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन और चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र के जरिए कहा है कि अस्पतालों में दवाई पृथक वार्ड विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ पारा चिकित्सक कर्मियों की उपस्थिति और एम्बुलेंस सुविधा से लेकर जांच संबंधी सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित करें। साथ ही लू से पीड़ित मरीजों का कंप्लीट ब्लड काउंटिंग, इलेक्ट्रोसाइट और ECG के अलावे लीवर और किडनी की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। आप गर्मी से बचाव के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अब CBSE में कम अंक मिलने की बात कहने वाले बच्चों की शिकायत होगी दूर। ऑनलाइन तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 10वीं और 12वीं के बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के साथ ही उत्तर पुस्तिका में मिले अंकों का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। 10वीं और 12वीं के बच्चों को अपने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा एक लिंक दिया जाएगा। बच्चों को ये लिंक बोर्ड रिजल्ट जारी होने के दूसरे दिन ही मिलेगा। लिंक लेने के लिए बच्चों को आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि जो भी CBSE 10वीं और 12वीं के बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाना चाहेंगे उन्हें प्रति विषय 500 रुपए देने होंगे। CBSE बोर्ड द्वारा बच्चों को दिए जा रहे इस सुविधा से इन बच्चों की शिकायत अब दूर होगी। जो कम अंक आने की बात कहते थे, यदि कॉपी में कम अंक देने की बात सामने आई तो परीक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। CBSE बोर्ड द्वारा बच्चों को दिए जा रहे इस सुविधा से उन बच्चों की शिकायत दूर होगी जो कम अंक आने की बात कहते थे। यदि कॉपी में कम अंक देने की बात सामने आती है तो परीक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। बता दें कि बच्चों को ऑनलाइन कॉपी जांच के साथ ही हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे पंडित हरि उप्पल के बारे में। ये एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और एक शास्त्रीय नृतक अकेडमी भारतीय नृत्यका मंदिर के संस्थापक थे। इनका जन्म 22 सितंबर वर्ष 1926 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। ये कथकली और मणिपुरी के नृत्य रूपों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 2010 में देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2 जनवरी वर्ष 2011 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्कूल से बिना किसी सूचना के गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई। शिक्षा विभाग शिक्षकों को लेकर काफी सख्त है। इसी कड़ी में जांच के दौरान अनुपस्थित रहने वाले पटना जिले के 48 शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र जारी करते हुए बताया है कि यदि किसी भी स्कूल के शिक्षक ऐसा करते हैं तो ये कार्रवाई आगे भी होगी। पत्र के मुताबिक विद्यालय निरीक्षण के दौरान 24 अप्रैल को 21 शिक्षक और 25 अप्रैल को 27 शिक्षक बिना कोई सूचना दिए स्कूल से अनुपस्थित थे। बता दें कि सभी प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए मिशन दक्ष के तहत सुबह के 8 बजे से 10 बजे तक विशेष कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जहां शिक्षकों को आना जरूरी है। वंदे भारत और शताब्दी ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए आई ये खबर। वंदे भारत और शताब्दी ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इन ट्रेनों से यात्रियों को खाने से लेकर पानी तक की सुविधा दी जाती है। इसी को लेकर एक बदलाव रेलवे द्वारा किया जा रहा है। दरअसल अब तक इन ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों को 1 लीटर पानी दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत यात्रियों को अब 1 लीटर पानी की बोतल देने की बजाय 0.5 लीटर पानी का बोतल दिया जाएगा। बता दें कि यह फैसला पानी की बर्बादी को देखते हुए लिया गया है। कई बार देखा गया है कि लोग 1 लीटर पानी की बोतल तो ले लेते हैं, लेकिन बोतल का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे पानी की बर्बादी होती है। हालांकि पानी खत्म हो जाने पर यात्री चाहें तो दूसरी बोतल की मांग भी कर सकते हैं। जिन्हें पानी की जरूरत नहीं होगी उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। श्री सीमेंट बिहार में करेगी बड़ा निवेश। प्रदेश में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। भारत की सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट बिहार में बड़ा निवेश करने जा रही है। इस निवेश के तहत औरंगाबाद में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स में 1100 करोड़ से अधिक का निवेश और बांका जिले में 42 मेगावाट सोलर प्लांट के साथ कंपनी सोलर क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी उत्तरी बिहार में नए सीमेंट प्लांट लगाएगी। श्री सीमेंट कंपनी के इस निवेश से बिहार में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले 3 सालों में श्री सीमेंट ने 100 बांगूर कंक्रीट प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 2 प्लांट बिहार में लगाए जाने की तैयारी है। इस दिन तक JP यूनिवर्सिटी के 50,000 पेंडिंग डिग्रियां होंगे रिलीज। आने वाले सप्ताह में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सत्र 2019 तक की करीब 50,000 पेंडिंग डिग्रियों को रिलीज कर दिया जाएगा।
बता दें कि डिग्रियां प्रिंट तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ डिग्रियों पर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर होना बाकी है। वहीं जो डिग्रियां तैयार हो चुकी हैं उन्हें रजिस्टर में मेंटेन करने की तैयारी है। ये सभी काम पूरा होते ही बच्चों को वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी, साथ ही संबंधित विभाग के नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। इन जिलों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में तपिश गर्मी को लेकर चारों तरफ लोग परेशान हैं। लोगों को आने वाले 2 से 3 दिनों तक लू से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर में भीषण गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तो वहीं कुछ जगहों पर 42 से 44 डिग्री तापमान रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। अवैध शराब तस्करी मामले में भोजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब के खिलाफ भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक ट्रक अंग्रेजी शराब के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। आपको बता दें कि आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चित्रसेन गांव के सामने फोरलेन से एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब माफिया द्वारा अंग्रेजी शराब ले जाया जा रहा था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत कई ब्रांड के 8244 बोतल यानी 1750.68 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। साइबर फ्रॉड मामले में नवादा पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड मामले में संलिप्त 4 अपराधियों को नवादा पुलिस ने फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग के करके गिरफ्तार किया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद नवादा एसपी कार्तिकेयन के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 मार्च को साइबर फ्रॉड का शिकार हुए पीड़ित ने आवेदन दिया था। आवेदन के जरिए उन्होंने बताया था कि उनके खाते से कुल 1,58,700 रुपये सीएसपी से निकाले गए थे। इस मामले की छानबीन के लिए एसआईटी का गठन हुआ। फिर तकनीकी अनुसंधान की मदद से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि ये लोग फिंगरप्रिंट का क्लोनिंग करके और लोन का प्रलोभन देकर उनके बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसे की निकासी करते थे। मामले की पूछताछ के बाद इस आरोपियों को हिरासत में भेज दिया गया है। चुनावी रोड शो करने निकले पवन सिंह का हुआ भारी नुकसान। भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने चुनावी प्रचार के लिए वे लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी प्रचार के दौरान पवन सिंह जब रोड शो पर अपनी लग्जरी गाड़ी रेंज रोवर से पहुंचे तो एक फैन उनकी गाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा गाड़ी की विंडशील्ड ही टूट गई। इससे पवन सिंह को भारी नुकसान तो हो गया, लेकिन बावजूद इसके वो मुस्कुराते ही नजर आए। अब पवन सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर कई यूजर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बेगूसराय से अमित शाह ने भारी हुंकार, विपक्षी गठबंधन को बताया घमंडिया। बीते ही दिन बिहार के बेगूसराय से अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया। साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो गिरिराज सिंह को दिल्ली भेजना होगा। आगे उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है ताकि लालू यादव, शरद पवार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे घमंडिया गठबंधन के नेताओं में देश को चलाने की ताकत नहीं है। देश को एक मजबूर नहीं बल्कि मजबूत सरकार चाहिए जो जनहित में करे और बड़े फैसले ले सके। बता दें कि 13 मई को बेगूसराय में 4th चरण लोकसभा चुनाव होने हैं। रोहिणी आचार्य के चुनावी जनसभा में लालू यादव का दिखा पुराना अंदाज। बीते ही दिन सारण लोकसभा सीट से महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। इस जनसभा में लालू यादव समेत राजद के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस जनसभा में लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा के संविधान को खत्म करना चाहती है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम सब लोगों को एकत्रित और जागरूक होना है। आगे उन्होंने कहा कि बेटी रोहिणी आचार्य लगातार आपके बीच काम कर रही है। इसको भारी मतों से जिताना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। AIMIM ने बिहार के और 9 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। बिहार में AIMIM पार्टी 9 और लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बता दें कि इस बात की घोषणा AIMIM के प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि किशनगंज के अलावे पार्टी अब सिर्फ हर गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी में अपने प्रत्याशी उतारेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश महासचिव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि AIMIM को बाहरी पार्टी कहकर चुनाव हराने की अपील उन्होंने की है, ये दुखद है। आगे उन्होंने कहा कि 3 फेज तक हमने वेट किया और सिर्फ किशनगंज से अख्तरुल ईमान को चुनाव लड़वाया। हमें लगा था कि राजद और कांग्रेस हमारा विरोध नहीं करेगी, लेकिन किशनगंज में उन्होंने विरोध किया, इससे काफी दुख हुआ है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच IPL 2024 का 48वां मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। बता दें कि सीजन में पहली बार ये टीम आपस में भिड़ेंगी। लखनऊ ने अब तक सभी मुकाबले में लगभग अच्छा प्रदर्शन दिया है, वहीं मुंबई इंडियंस अभी तक उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। इस टीम ने खेले गए 9 मैचों में 3 में ही जीत हासिल किए हैं। ये टीम बल्लेबाजी में तो मजबूत नजर आती है, लेकिन गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और टिक नहीं पा रहा है। इसे देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2010 में हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में चालक रहित विमान लक्ष्य का ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आज के दिन वर्ष 2006 में 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारतीय उपमहाद्वीप को मिली। आज के दिन वर्ष 1870 में दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। आज के दिन वर्ष 2020 में ऋषि कपूर का निधन हुआ था, ये भारतीय फिल्म अभिनेता थे। जाने एसी को कमरे में किस ऊंचाई पर लगवाना होगा सही। गर्मी का समय शुरू हो चुका है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में एसी लगवाने की सोच रहे होंगे। अगर आप भी अपने घरों में एसी लगवाने की सोच रहे हैं तो क्या आपको पता है कि एसी को दीवारों पर कितने फिट की ऊंचाई पर लगाना सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि एसी को फर्श से करीब 7 से 8 फीट तक की ऊंचाई पर लगाना सबसे अच्छा होता है। इस ऊंचाई पर एसी के होने से कमरे में समान रूप से ठंडक फैलती है। एसी को लगवाते समय ऊंचाई के साथ उसके एंगल को भी देखना जरूरी होता है। इंग्लिश में कमजोर लोग भी गूगल के इस फीचर की मदद से बोल सकेंगे फटाटेदार इंग्लिश। आज के समय में अंग्रेजी भाषा भी हमारे कम्युनिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी है। ऐसे में बोलचाल के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी मजबूत रहना भी जरूरी है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो गूगल ने आपके लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है AI स्पीकिंग प्रैक्टिस फीचर। इस पर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे और अंग्रेजी सीखने में ये AI आपकी मदद भी करेगा। यूजर्स चाहे तो अपने हिसाब से प्रश्न को AI से टाइप करके या बोलकर कुछ भी पूछ सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से 2 नगर घग्गर नदी के किनारे थे? ऑप्शन ए है हड़प्पा और राजौरी, ऑप्शन बी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और सुरकोतरा, ऑप्शन डी है कालीबंगन और बनावली। इसका संयुक्त है कालीबंगन और बनावली। बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है ब्रह्म भट्ट, ऑप्शन सी है वराह मिहिर, ऑप्शन डी है भास्कर। इसका संयुक्त है आर्यभट्ट। अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है शुंग काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। इसका संयुक्त है मौर्य काल। अशोक ने किस अभिलेख में खुद को पियादसी लाजा मगधे कहा है? ऑप्शन है जूनागढ़, ऑप्शन बी है कंधार, ऑप्शन सी है दीपवंश, ऑप्शन डी है भाबरू। इसका संयुक्त है भाबरू। राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, मोजम्मिल, कृष्णा प्रसाद, धीरज कुमार शर्मा, संजय कुमार शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, साहिल यादव, जितेंद्र कुमार सहनी, विकास दुबे, राजेश मांझी, राजीव कुमार, सुजीत मोहम्मद, साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की आज का सवाल है, प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।